మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. జబ్ హమ్ కిసీ కే ప్యార్ మే హోతే తబ్ హమే క్యా చాహియే హోతా హై, తబ్ హమే వో ఇన్సాన్ చాహియే హోతా హై, ఔర్ జ్యాదా సే జ్యాదా హమ్ ఉస్ ఇన్సాన్ కే ప్యార్ కో చాహతే హై కి వో భీ హమే ప్యార్ కరే. उसके सिवा ना हमें कुछ दिखता है, ना लाइफ में किसी भी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है. दुनिया की कोई भी कीमती से कीमती चीज़ क्यों ना हो, हमारे लिए उस इंसान और उससे प्यार कर बढ़कर कुछ नहीं होता. लेकिन दोस्तों, जब आपको रिलेशन में प्यार में धोखा मिलता है, तब आपको लगता है कि आप कितने ख़राब नसीब वाले इंसान हो, आपके नसीब कितने ख़राब है कि आपके साथ इतना हुआ, आपको कितना ज़्यादा पेन मिला, उस इंसान के बिना आप रह नहीं पाते हो. शायद आपको किसी ने धोखा दिया तो आप अपने आप को सबसे ज़्यादा अनलकी मानते होंगे. लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मैं आपको कहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेसन. अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो मैं आपको कहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेसन. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके बहुत बड़े बड़े रीज़न हैं. आज शायद आपको समझ में नहीं आ रहे होते, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ आपकी इस फीलिंग को, आपकी स्थिति को, हालत को मैं समझ पा रहा हूँ. आप आज मेरी इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करोगे कि आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन क्यों कह रहे हो. लेकिन आपकी लाइफ के कुछ सालों के बाद, अगर जो आज मैं बता रहा हूँ आपने उनको समझा और वैसा किया, तो कुछ सालों बाद आप इस बात को एक्सेप्ट खुद करोगे कि अगर उस इंसान ने आपको लाइफ में धोखा नहीं दिया होता तो आप ऐसी अच्छी या इतनी बेहतर लाइफ नहीं जी पाते. ये बात कन्फर्म है. ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं जिन्होंने अपने ब्रेकअप का, अपने धोखे का सही फ़ायदा उठाया. मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन इसीलिए कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप लकी हो, इसीलिए आपकी लाइफ में ये घटना बनी, आपकी लाइफ में ये परिस्थिति आई. अभी आपको ये परिस्थिति बहुत ही बुरी लग रही होगी, लेकिन ये परिस्थिति आपकी लाइफ में बनना, ये घटना आपकी लाइफ में क्रिएट होना बहुत ज़्यादा मायने रखती. ये होना ही चाहिए आपके साथ, मैं आपको कहता हूँ ये होना चाहिए. क्योंकि धोखा मिलने के बाद ही आपकी लाइफ में आपको एक रीज़न मिलता है, एक वजह मिलती है कि इसके बाद जो आप लाइफ जियोगे ना, बिल्कुल अलग होगी. यहाँ पे आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. यहाँ पे आपको रीज़न मिलता है कि अब मुझे लाइफ क्यों जीनी है और कैसे जीनी है, लाइफ में क्या करना है. अब तक आपको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए था, आप एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते थे सिर्फ उस इंसान के साथ. लेकिन अब आपके पास एक वजह है कि अब मुझे लाइफ में क्यों करना है, अपने आप को प्रूव करना है. लाइफ में जो हैप्पीनेस होती है, जो वैल्यू स्टेटस लोगों को मिलता है, वो आप अचीव करना चाहोगे तब, जब आपको कोई बहुत ज़्यादा बुरा फील करवाता है, तभी हमारे अंदर ये आग पैदा होती है. जब तक हमारा कोई अपमान नहीं करता, हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करता, हमारे अंदर बहुत कुछ बड़ा करने की इच्छा कभी पैदा ही नहीं होती. इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी आग, सबसे बड़ी जो चिंगारी आपके अंदर अभी पैदा हुई है, वो ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना कभी इतनी बड़ी आग पैदा ही नहीं होती. इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रीज़न नहीं है, टेम्पररी रीज़न है कि कुछ टाइम के बाद वो अपनी लाइफ में गिव अप कर देते, छोड़ देते. लेकिन आपके पास ये रीज़न है ना, तो आप हार नहीं मानोगे, क्योंकि ये एनर्जी आपको बैठने नहीं देगी कि नहीं, अपने आप को प्रूव करना है. आपकी ऐसी हालत हुई है तो आप दुनिया के सामने अपना स्टैंड रखते हो कि लोग आपको एक वैल्यू की, इज्जत की नज़र से देखें. यही एक आपका रीज़न है जो आपको आगे लेकर जाएगा. लाइफ में कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए रीज़न होता है दोस्तों. अगर आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हो तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप चाहते हो कि महीने के एंड में आपको सैलरी मिले, ये रीज़न है. अगर ऑफिस जाने का आपके पास कोई रीज़न ही नहीं है तो आप क्यों जाओगे. तो लाइफ में जो बहुत सारे लोग बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, उनके पास रीज़न नहीं है. वो सिर्फ और सिर्फ करना चाहते, फेमस करना चाहते, अपने आप को पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन ये इतना बड़ा रीज़न नहीं है. आपके पास तो इतना बड़ा रीज़न है जो आपको कहीं भी बैठने नहीं देंगे, आपको कभी भी थकने नहीं देंगे, आपको लगातार काम करवाएंगे, आपको अपने आप में इम्प्रूव करवाएंगे. आपके साथ बुरा हुआ, क्या वाकई में आपके साथ बुरा हुआ है? दुनिया की कोई भी घटना अच्छी या बुरी नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक नज़रिया होता है, जिस नज़र से हम उस घटना को देखते हैं कि हाँ, ये मेरे साथ अच्छा हुआ या ये मेरे साथ बुरा हुआ. जो चीज़ें हमें टेम्प्ररी दिखती है, यानी कि ऊपर से जो चीज़ें दिखती है, हम उनको मान लेते हैं कि ये अच्छा या बुरा. लेकिन इस दुनिया की किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 100% अच्छा या बुरा है. बस आप उस घटना को, उस मैटर को जिस नज़र से देखते हो, आपके लिए वो घटना वैसी हो जाती है. अगर आप अपने आप को अनलकी मानते हो, आप कहते हो कि यार मेरी किस्मत ऐसी है, उसने मुझे धोखा दे दिया, छोड़ दिया, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, तो ख़त्म हो गई. आप उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हो तो देख सकते हो. तो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा मौका है. जिस तरह से आपने इस रीज़न को पकड़ा, लाइफ में आगे गए,
ये घटना आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। और ऐसी घटनाएं होती है हमें ऐसे काम करने के लिए मजबूर करते हैं। आपने वो मांझी का तो मूवी देखा होगा, माउंटेन मैन मांझी, जिसने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया था। उसको खुद को अपने आप पे पहले यकीन नहीं होता होगा कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, लेकिन उसकी लाइफ में एक दुखद घटना बनी। उस घटना के बाद उन्होंने ठान लिया, और वही पेन वही एनर्जी तो था कि उसने पूरा पहाड़ चीर दिया, जिसके ऊपर उसको खुद को भी विश्वास नहीं होगा स्टार्टिंग में, लेकिन वो क्यों कर पाए, क्योंकि उसके पास रीज़न था मेरे दोस्त, रीज़न था। तो कोई भी घटना आपकी लाइफ में बनती है, अच्छी से अच्छी या बुरी से बुरी, उस घटना में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढो कि देखो कि मेरे साथ क्यों हुआ है। क्योंकि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है उसका कुछ मतलब तो बनता ही है ना, तो उस घटना को देखो, ऑब्जर्व करो, जानने की कोशिश करो कि ये मेरी लाइफ को किस दिशा में ले जाने के लिए है, इसका क्या सही मतलब मैं निकाल सकता हूँ। आप उस बुरी से बुरी घटना में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तो वहाँ से सोना मिलेगा मेरे दोस्त। बात करते हैं पेन की, बात करते हैं इस दर्द की। लाइफ में दर्द आता है, वही आपको बेहतर बना सकता है। दर्द इंसान की लाइफ में मैटर करता है, बहुत कुछ करता है। ये अगर दर्द नहीं आएगा ना, तो हम अपनी लाइफ में अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। जो हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हो उस लायक अपने आप को पहले बनाना पड़ता है। और दुख होता है हमें मजबूर करता है वैसे बनने के लिए। जो एक प्रोसेस होती है उसमें पीछना पड़ता है, उसमें हमें अपने आप को निचोड़ना पड़ता है। अगर किसी की लाइफ में दुख नहीं आएगा तो वो ऐसे काम करेगा नहीं, लेकिन दुख आने के बाद वो इंसान मजबूर हो जाता है, ज़बरदस्ती वो करने लगता है, क्योंकि उसके बाद उसको वो करना ही होता है, उसको चाहिए ही होता है। इसलिए दुख आपको ज़बरदस्ती ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, आप नहीं चाहते फिर भी वो आपको बदल देते, आपको रियल में सोना बना देते। और जब आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, जब आप इम्प्रूव हो जाते हो, तब आप लायक बन जाते हो उस मान सम्मान या लाइफ में जो कुछ भी है उसको हासिल करने के लिए। और बात करते ऐसे लोगों की जो आपको इस टाइम पे, इस समय पे छोड़ के चले जाते, धोखा देते थे। आप अपनी लाइफ में जब उस ऊंचाइयों को पार करते हो तो जो लोग आपको धोखा देकर गए थे, आप उनके बारे में सोचोगे भी नहीं, और उनके जैसे हजारों लोग आपके लिए लाइन में खड़े होते, तब आप ऐसा सोचोगे नहीं जो आज सोच रहे हो कि आप कितने लाचार हो, कितने बेबस हो। वो जिन्होंने आपको धोखा दिया था वो अपनी किस्मत में रो रहे होंगे। अगर कुदरत चाहता कि आपको उस इंसान का प्यार मिले और खुशी खुशी आप उनके साथ रहो तो ऐसा हो जाता, लेकिन कुदरत आपके लिए कुछ अलग चाहता है। वो चाहता है कि आप रियल में जिस काम के लिए पैदा हुए, जिस लाइफ को जीने के लिए आप पैदा हुए, वो जिए। इसीलिए आपने उनसे अलग किया है, इसीलिए शायद उस इंसान ने आपको धोखा दिया है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ और करने के लिए पैदा हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते तो कमेंट करें। वीडियो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लव और रिलेशन के बारे में मेरे चैनल पे 1000 से ज़्यादा वीडियोस अब तक मैंने अपलोड किए। आप मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या मेरे दूसरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो नचते लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए। रेगुलर नोटिफिकेशंस कोसम बेल बटन में प्रेस चाहिए।